हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए सब्जी लाई हूँ वो अरबी की सब्जी है। वैसे तो मोस्टली सभी लोगों ने अरबी की सब्जी खाई होगी, लेकिन फ्रेंड्स आज जो मैं आपको अरबी की सब्जी बताने वाली हूँ या किस ढंग से इसको बनाएंगे वो थोड़ा सा अलग है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम आम सी अरबी को किस तरह से हम अलग ढंग से बना के बहुत ही स्वादिष्ट बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हमें चाहिए अरबी। यहाँ फ्रेंड्स मैंने अरबी को कद्दूकस कर लिया है इस तरह से। ये बहुत इजी से हो जाती है बिकॉज अरबी के पीसेस काफी बड़े होते हैं। बस फ्रेंड्स ये ध्यान रखें कि जब आप अरबी को कद्दूकस कर लें देन उसके बाद फिर से आप इसको एक दो बार पानी से वॉश कर लें और छन्नी में सुखा लें। बिकॉज जब आप इसको कद्दूकस करेंगे तो इसमें से एक व्हाइट सा स्टार्च सा निकलता है, उससे जो अरबी है वो चिपचिप सी हो जाती है। अगर आप इसको धो लेंगे तो वो चिपचिपाहट कम हो जाएगी। साथ ही हमें चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट, बारीक काटे हुए टमाटर, बारीक काटे हुए प्याज और थोड़ी सी अजवाइन। फ्रेंड्स आप सभी को पता है अरबी में अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और वैसे भी अजवाइन हमारे हाजमे के लिए काफी अच्छी होती है। इससे जो है अरबी आसानी से पच जाती है। साथ में हमें बेसिक नमक, मिर्च और हल्दी और मसाला चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं अब बताती हूँ किस तरह से इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ऑयल को गर्म करेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले हम ऑयल को गर्म कर लेंगे। मैंने यहाँ कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करा है। वैसे तो आप किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम पंजाबी मोस्टली, मैं पंजाब से हूँ तो पंजाबी मोस्टली मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल करते हैं हम। और वैसे भी जो अरबी है उसको हमने फ्राई करना है और ये मस्टर्ड ऑयल में काफी अच्छी फ्राई होती है। फ्रेंड्स जो हमने कद्दूकस अरबी करी है उसको हम थोड़ी थोड़ी करके फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स हम थोड़ी थोड़ी करके इसको अरबी को डाल देंगे क्योंकि इसको हमने फ्राई करना है, इसलिए मैंने ऑयल थोड़ा ज्यादा डाला है। फ्रेंड्स आप क्या करें कि आप थोड़ी थोड़ी करके ही अरबी को फ्राई कीजिए, इससे ये अरबी जल्दी होगी। वैसे भी हमने अरबी को कद्दूकस करा है तो ये काफी जल्दी से फ्राई हो जाती है। इसको हमने लाइट हल्का ब्राउन कलर का करना है। देखिए फ्रेंड्स ये हो चुकी है लाइट हल्की ब्राउन कलर की। इसको हम एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। मैं इसको एक टिश्यू पेपर निकाल रही हूँ ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो टिश्यू पेपर पे आ जाए। निकालने के बाद जो फ्रेंड्स बची हुई अरबी है उसको भी मैं फ्राई कर लूंगी। यहाँ मैंने फ्रेंड्स आधा किलो अरबी ली थी तो उसको मैंने दो बार करके फ्राई कर लिया है। उसी तरह से जिस तरह से पहले हमने अरबी को फ्राई किया है उसी तरह से हम इसको भी फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स जो हमने सेकंड टाइम डाली थी अरबी वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। इसको भी मैं टिश्यू पेपर पे निकाल लूंगी। फ्रेंड्स ये ध्यान रखें कि जब अरबी थोड़ी सी लाइट हल्की ब्राउन कलर की हो जाए तो आप इसको निकाल लीजिए क्योंकि बिकॉज इसको हमने फ्राई करा है तो ये बाद में भी थोड़ी सी हल्की फ्राई होती रहती है।
फ्रेंड्स हम जो तड़का तैयार करेंगे ये इसी ऑयल में मैं तड़का तैयार कर लूंगी। बस ये है कि थोड़ा सा ऑयल मैं इसमें से निकाल लूंगी क्योंकि मैंने फ्राई के लिए ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल करा था। देखिए फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा ऑयल रहने दिया है कढ़ाई में, उसी कढ़ाई में मैं इस मसाले को भून लूंगी। सबसे पहले मैं इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी, हल्का सा ब्राउन करना है अजवाइन को। देन मैं इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डालूंगी, देन मैं इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालूंगी, यहाँ हमने फ्रेंड प्याज को भी हल्का ब्राउन कलर का ही करना है, हमने प्याज को ज्यादा नहीं भूनना क्योंकि इसमें प्याज ज्यादा कच्चा कच्चा ही अच्छा लगता है। देखिए फ्रेंड्स हमारा जो प्याज है वो हल्का ब्राउन कलर का हो चुका है, अभी इसमें हम बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। यहाँ फ्रेंड्स हमने टमाटर को भी थोड़ा सा कच्ची फॉर्म में ही रखना है बिकॉज हमने टमाटर को मैश नहीं करना, जिस तरह से हम नॉर्मल मसाले को करते हैं। जब हम नॉर्मली मसाला बनाते हैं तो हम टमाटरों को अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं, लेकिन इस सब्जी में हमें टमाटरों को मैश नहीं करना, जस्ट हल्का कच्चा ही रखना है इसको। साथ ही साथ फ्रेंड्स हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। फ्रेंड्स ये हमारे टमाटर थोड़े से हल्के ब्राउन हो चुके हैं, देन हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। हल्दी से स्वाद भी बढ़ता है और कलर भी अच्छा आता है। साथ में मैं थोड़ी सी रेड चिली डालूंगी, स्वाद अनुसार नमक, यहाँ मैंने फ्रेंड्स आधा चम्मच डाला है, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं नमक। देन सभी मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स हमने जो फ्राई करी है अरबी उसको डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स हमारी जो अरबी है वो ऑलमोस्ट पक चुकी है, इसलिए इसको हमको ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमने इसको 5-10 मिनट ही पकाना है। आप हाई फ्लेम पे इसको पकाएं और बीच बीच में हिलाते रहें। फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, साथ में जो बेल आइकन दिया उसको प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और लाइक माय वीडियो प्लीज फ्रेंड्स एंड शेयर माय वीडियो बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, एंड प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल। इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ गर्म मसाला भी डालूंगी, वो मैं थोड़ा लास्ट में डालती हूँ बिकॉज अगर गर्म मसाला हम पहले डाल दें तो वो थोड़ा सा जलने का डर होता है, तो इसलिए मैं गरम मसालों को मोस्टली लास्ट में ही डालती हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमने इसको 5 मिनट के लिए पका लिया है, अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूंगी। लुक वाइज तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी यम्मी लग रही है, आई होप खाने में भी टेस्टी हो।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये लुक वाइज इस तरह से लगती है। कोई कह सकता है इसको देखने के बाद कि ये अरबी की सब्जी है? फ्रेंड्स प्लीज मुझे कमेंट के थ्रू बताना कि आपको ये सब्जी कैसी लगी है, और आप बना के भी एक बार देखना कि ये आपको खाने में कैसी लगी है। और प्लीज फ्रेंड्स कमेंट के थ्रू मुझे बताना कि आपको ये मेरी अलग से बनाई हुई अरबी की सब्जी अच्छी लगी है कि नहीं। प्लीज फ्रेंड्स कमेंट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।